क्लास में बैठे और चैनल से जुड़े नाइन्थ क्लास के सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और आगे आज की जो कार्यक्रम होगी, आज का जो क्लास होगा वो केमिस्ट्री का क्लास होगी। तो सभी विद्यार्थी, केमिस्ट्री में आप लोग पहले ही से जानते हैं कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है ना। देखिए, एक केमिस्ट्री रासायनिक शास्त्र जिसको आप लोग कहते हैं, ये साइंस की एक ऐसी टॉपिक है जिसकी जरूरत खास करके कहा जाए साइंस की दुनिया में हर जगह होती है। ये साइंस की वो शाखा है जिसके अंतर्गत ही दुनिया में जितनी तरह की पदार्थ है वो हर तरह की पदार्थ के बारे में केमिस्ट्री में ही अध्ययन किया गया है, चाहे तो वह नेचुरल सब्सटेंस हो या आर्टिफिशियल सब्सटेंस हो। क्योंकि दुनिया में जितनी पदार्थ है वह दो ही तरह की पदार्थ होती है, तो एक प्राकृतिक पदार्थ होता है और दूसरा मानव निर्मित पदार्थ होता है। तो खैर, पदार्थ जैसा भी हो, इस समझे केमिस्ट्री की परिभाषा में पहला पॉइंट आता है पदार्थ, कि पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ में कौन कौन सा ऐसा गुण होता है, ये सारी बातें जो है केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं। एक केमिस्ट्री जिसका जन्मदाता आपको एंटोनी लागोजियर को कहा जाता है, इसलिए चलिए सभी विद्यार्थी एंटोनी लागोजियर का एक बार हम लोग नमस्कार करें और फिर हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में चले सहित करें। तो देखिए, आज की जो क्लास हम लोग का है, खास करके पदार्थ का एक शुद्ध रूप लेके चल रहे हैं जिसको हम लोग एलिमेंट के नाम से पुकारते हैं या जिसको तत्व कहते हैं। तो एक क्लास शुरू करने के पहले आइए सभी विद्यार्थी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे की क्लास देखेंगे। देखिए, आप लोग को बताया कि देखा जाए पदार्थों का जब वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण किया जाता है दो तरीका से, एक होता है उसके भौतिक गुणों के आधार पर करते हैं और एक रासायनिक गुणों के आधार पर करते हैं। अब रासायनिक गुण के आधार पर जब वर्गीकरण की जाती है तो पदार्थ को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं जिसको हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण कहते हैं। उसी तत्व, यौगिक और मिश्रण में से कहानी हम शुरू किए हैं तत्व का, यानी कि जिसकी संख्या आज केमिस्ट्री के क्षेत्र में देखा गया टोटल 118 हो चुका है। पहले 118 था नहीं, लेकिन आज कहा गया कि 118 गो तत्व आपके सामने है। 118 गो तत्व में एक दुनिया में समझेगा कि मात्र आपका, यानी कि याद करे कि बानवे को जो तत्व है एक प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन बानवे के बाद बचिया 18 और 8 26, एक 26 को ऐसा तत्व है जो प्रकृति में पाया नहीं जाता है बल्कि एक अस्थायी है या तो मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया है, क्लियर है। तो ये जो तत्व जो 118 जो हम लोग के सामने आज देखने को मिल रहा है, तो ये दिमाग में रखे कि 118 तत्व दुनिया में नहीं है बल्कि इसमें से 92 जो तत्व दुनिया में पाया जाता है, बाकी जो 26 तत्व है इसमें से कुछ तत्व तो आपका अस्थायी है और कुछ तत्व मनुष्य के द्वारा बनाया गया है जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं। एक तत्व जो होता है, देखिए सब तो तत्व 118 को है, लेकिन अगर रासायनिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर चलोगे तो एक तत्व को देखा जाए हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग कहलाता है मेटल्स है, दूसरा नॉन मेटल्स होता है और तीसरा मेटलॉइड्स होता है, जिसको हम लोग धातु बोलते हैं, अधातु बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। अब आइए सब लड़के, अगर कोई तुम लोग से पूछता है कि 118 तत्व में से धातु की संख्या कितना है, तो बोलना चाहिए कि 93 है, 93। ये जो कि आपका धातु कितना कहलाते हैं, वही अधातु जब पूछे तो यहाँ पर 18 को याद रखें अधातु होता है और बाकी बच गया देखो 93 8 3 11, तो बाकी यहाँ पर बच गया 7 को, एक कहलाता है उपधातु। मतलब कि उपधातु जो बोला कि 7 वो उपधातु है, एक मतलब तो उसमें दोनों का गुण है,
माने धातु का भी गुण है और अधातु का गुण है, इसलिए उसको बोल दिया गया कि उपधातु है। तो देखा जाए अब केमिस्ट्री में देखे क्लास बताए थे तुम लोग के कि रसायन या केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जहां पर कुछ शुरुआती में हम लोग को हल्का सा रटने की आवश्यकता है। रटने की आवश्यकता क्या है, माने तत्वों का नाम याद करना है। अब जब तक तत्व का नाम नहीं याद करते हैं तो फिर केमिस्ट्री का अध्ययन करने में दिक्कत हमारा है। इसलिए सबसे पहले सब विद्यार्थी से गुजारिश करेंगे कि जो 8 से 9 क्लास में विद्यार्थी आया है और जिनको तत्व का सिंबल नहीं याद हो तो सबसे पहले आप सिंबल याद करेंगे, संकेत याद करें, ताकि आप रसायन की भाषा सीखना शुरू कर दें। अब देखिए जो यहाँ पर जो धातु का सर 98 वो धातु है, तो धातु में भी देखिए 4 तरह की धातु है, बात समझिए, जिसमें सबसे एकदम शुद्ध और सबसे पहले एकदम मने क्रियाशील वह धातु कहलाता अल्कली मेटल्स, जिसको कहते हैं क्षार धातु। अरे क्षार धातु की संख्या पूछेगा तो यही 6 को बोलिएगा, जिसको कहते हैं लीना, लीना के रूबी सच के फ्रांस चली, तो लीना के रूबी सच के फ्रांस चली। अब इसको हिंदी में बोल देना है तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सिथियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिथियम और फ्रांसियम, यही मात्र 6 वो जो है एकदम एक नंबरिया धातु है जी, जिसमें अधातु का कोनो गुण है, एकदम बिल्कुल शुद्ध धातु, एकदम प्योर धातु है। लेकिन वही क्षार धातु से अगर कम क्रियाशील कहोगे, ठीक है, इसमें याद होगा कुछ लड़के जानते भी होंगे कि क्षार धातु जितना ही सब दिख रहा है ये हवा में नहीं रखे जाते हैं, हवा में रखोगे एक प्रत्येक रिएक्शन कर जाएगा जल से, हवा में अगर नमी मिलेगी आग लग जाएगा इसमें, इसलिए क्षार धातु जितना भी देख रहे हो ना ये सबको किरासन तेल में रखा जाता है, ग्रीस में लपेट के रखते हैं, मोबिल में डाल के रखते हैं, हमें तो बड़ा डेंजर चीज सब है, इसलिए बोल रहे थे एक नंबरिया धातु है, इतना में तने सारे मिश्रण कहीं कुछ नहीं है, एकदम शुद्ध धातु कहलाता है। कोई पूछे कि एकदम शुद्ध धातु क्रियाशील धातु का नाम बताओ तो यही क्षार धातु में से नाम बताना है। क्षार धातु से अगर कम क्रियाशील बोले तो कहना कि क्षार मृदा धातु है। क्षार मृदा धातु का मतलब कि क्षार धातु से कम क्रियाशील है, मृदा के क्रम निकलन मृदा मानी मिट्टी, यानी कहने का मतलब कि सब का संबंध मिट्टी से है। तो वो कौन कौन सा धातु याद रखेंगे, तो देखो बी से हो गया बेरिलियम हो गया, एम जी से मैग्नीशियम हो गया, सी ए से कैल्शियम हो गया, एस आर से स्टारसियम हो गया, बी ए से बेरियम हो गया और आर ए से रेडियम हो गया, याद हो गया जिससे लड़के देखो ध्यान से फिर से, तो यहाँ बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अस्टारसियम हो गया, बेरियम हो गया और रेडियम हो गया। तो एक कहलाता क्षार मृदा धातु, कोई पूछे कि दो गो क्षार धातु क्षार मृदा धातु का नाम बताओ तो एक में से बता दिए, क्षार धातु का नाम पूछे तो इसमें से बता दिए। लेकिन इस संक्रमण धातु देखिए आ गया जिसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, एक तरह से कहूं कि दोगला, मतलब दोगला का मतलब का कि ये धातु का पूरा पूरा गुण इसमें नहीं है, कभी कभी लक्षण अधातु वाला दिखा देता है। धातु का काम है धातु की जो परमाणु होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन ये सब जो धातु देख रहा है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन को दे देता है लेकिन जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन लेहू लेता है, समझिए, इसलिए हम लोग कहेंगे कि प्योर मेटल नहीं है, यानी संक्रमण है, मतलब इसमें कुछ धातु का भी लक्षण आ जाता है तब कुछ कहीं कहीं अधातु का भी लक्षण आ जाता है, समझिए। तो यहाँ पर बताएंगे संक्रमण धातु, जब तुम लोग को ब्लॉक बताएंगे तो ब्लॉक में आ जाता है, ये सब डी ब्लॉक में आते हैं, शुरू में एक तत्व था किसे वो, लेकिन आज के डेट में देखोगे कहीं हो गया 40
समझिए ए है 6 गो, ए भी 6 गो, लेकिन 40 हो गया है। अब इतने में से कुछ धातु का नाम बताए हैं, जैसे एस सी है, इतने अस्कैंडियम कहते हैं, ए टाइटेनियम हो गया, ए वैनेडियम हो गया, ए क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, ए देखिए फेरम जिसको आयरन लोहा कहते हो, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, यहाँ आर्जेंटम चांदी हो गया, और सोना हो गया, कॉपर तांबा हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, पीटी प्लैटिनम हो गया, ये सब ऐसे करके टोटल आज के डेट में अगर कहा गया कि 40 तत्व हो चुका है, जबकि यानी 2005 तक ला इसकी गिनती होती थी कि नहीं 30 से हुई है, लेकिन आज जो तुम्हारा ये जो साइंस का मेहनत है, ये रोज दिन प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ नए रिसर्च में चल रहे हैं, इससे इसकी संख्या बढ़ करके कितना हो गया। चौथा तरह की जो धातु होती है इसको अंतः संक्रमण धातु कहते हैं, तो अंतः संक्रमण धातु की संख्या 28 हो गई है, और इसको दो श्रेणी में बांटते हैं, एक होता लैंथेनाइट श्रेणी और एक एक्टिनाइट श्रेणी, दोनों श्रेणी मिलकर के 28 तत्व इसमें आ जाता है। अब इस तरह से टोटल तुम्हारा 93 वो धातु यहाँ पर आते हैं। अब इसी में देखो टीएच लिखे हैं, जिसको थोरियम कहते हो, देखो सीरियम कहते हैं, प्रोमिथियम कहते हैं, यूरेनियम कहते हैं, प्रोजेडिनियम कहते हैं, समेरियम कहते हैं, नेप्टूनियम कहते हैं, और इसी तरह से 28 तत्व जो है उन लोगों को पहले ही बोल दिया है कि जब तक यानी कि तत्व का संकेत अगर हम नहीं याद करते हैं तो केमिस्ट्री की दुनिया में फिर नहीं पहुंचेंगे हम। इसलिए रसायन की भाषा एक बुक मिलती है, वह इस लोनिका या कुल है, उसका लीजिएगा बुक आपको समझ दिया थी, और ये सब जितना संकेत है जितना रटोगे तुम्हारा केमिस्ट्री उतना ही तंदुरुस्त हो जाए। अब रटने नहीं करोगे, अब बताओ कहीं पर लिखा रहेगा सी की तो पढ़ ही नहीं आएगा, कहीं पर लिखा है पीएम तो पढ़ ही नहीं आएगा, तो फिर केमिस्ट्री सीखोगे कैसे? तो केमिस्ट्री सीखने का पहला मंत्र है कि आप इसका संकेत याद कर ले, ताकि हम रसायन शास्त्र की भाषा सीख पाए। देखिए आधातु में तुम लोग को बताए हैं कि टोटल 18 तत्व है, जिसमें ज्यादातर जो है गैस होते हैं, इसमें याद रखेंगे सभी विद्यार्थी कि ज्यादातर गैस है, जैसे सोचो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, ठीक है। अब इसी तरह से देखा जाए आर्गन देखते हो, ठीक है, तो आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, फिर से एक बार एन फोर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, एनी से नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, तो ये सब जितना भी तत्व देख रहा है तुम लोग, वह सब के सब समझे नॉन मेटल है और धातु होता है, बस समझ रहे ना। अब इस तरह से देखिए इसी में देखा जाए अधातु में ही 6 को जो गैस होता है इसको नोबेल गैस कहा जाता है, जिसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अब कोई आदमी कहेगा कि चलो 2 गो नोबेल गैस का नाम बताओ, तो यही 6 गो में से 2 गो 3 गो 4 गो जो बताना बता दिए। अब हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, अब इतने में से नाम 2 गो 3 गो जो बताना बता दिए। कोई आदमी का आगे 5 अधातु का नाम बताओ, इतने में से नाम बता दिए। तो ये सब जो होते हैं अधातु कहलाता है, जिसको नॉन मेटल्स कहते हैं। आप बता रहे थे कि इसके बाद हो जाता है मेटल और नॉन मेटल, दोनों कार्बन जो मिलता है वही मेटलॉइड्स कहलाता है, और इस मेटलॉइड्स में यानी पहले से भी 7 है, अभी भी 7 है, मगर फर्क क्या हो गया है कि आज के डेट में पोलोनियम को छाट करके उसके जगह पर स्टेटिन को लिया है। अब इसको याद करने का तरीका है, यानी बस्सी यानी बिहार, सिक्किम, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया सबको टिपो, ठीक है, बिहार, सिक्किम, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया सबको टिपो, ये याद करने की तरीका है, लेकिन नाम पूरा बोलने का है तब वही बताएंगे। बी से बोराउन हो गया,
एस आई से सिलिकॉन हो गया, ए जी ई से जर्मेनियम हो गया, ए एस से आर्सेनिक हो गया, एस टी से एंटीमनी हो गया, टी ई से टेल्यूरियम हो गया और पी ओ से पोलोनियम हो गया। यही पोलोनियम को आज के डेट में क्या कर रहा है, इसको स्थगित कर दे रहा है, ट्रेनिंग में डाल दिया और इसके जगह पर इसके टीम बना रहा है। तो ये सात हो गया, ये समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। तो ये सब जितने भी तत्व का नाम बताए हैं आप लोग का आज का ड्यूटी, आज का होमवर्क कहा गया यही दिया जा रहा है कि इतने चीजों को आपने याद कर ले, सिंबल को याद कर लेगा, उसके बाद अगले क्लास में आगे कहानी बताएंगे। आज क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।